अस्सलाम वालेकुम प्यारी बहनों, प्यारी बेटियों, मेरे बेटे, उम्मीद आप खैरियत से होंगे। आज फिर मैं आपके लिए एक शॉर्ट्स लेकर आई हूँ, वीडियो बना रही हूँ, शोर आपसे शेयर कर लूँ। ये मेरे मुनीस किचन गार्डन में देखें, ये मेहंदी का पौधा है और ये बारिश में कितना खिल गया है ना। मैं आज इसको मैं अपने रेमेडी पे यूज़ करने के लिए मैं आई हूँ, तो सोचा आपसे जाना शेयरिंग करूँ और बताऊँ कि ये देखें, ये फूल है मेहंदी का, बहुत प्यारा इसका जो है ना खुशबू है। आप चाहें तो नारियल के तेल में, अगर आपको उसकी खुशबू पसंद आती है तो उसको डाल के रखें ना, ऑयल में खुशबू आ जाएगा। और ये तो वैसे भी बहुत अच्छा होता है, बहुत फ़ायदेमंद होता है। कोई भी रेमेडी जैसे कि ब्यूटी पार्लर में आप लोग ऑयलिंग करने जाते हैं, मसाज करते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के हेयर इम्प्रूवमेंट के लिए होता है, उससे कई गुना अच्छा ये आपको मेहंदी बिल्कुल नेचुरल आपका इसका मतलब आपको टिप्स मिलेंगे, आपके बाल बहुत खूबसूरत रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, आपको बहुत सारे फ़ायदे आएगा, बाल में अच्छा बॉडी आएगा, लुक आएगा। और आप अगर स्ट्रेस है आपको, अगर ब्लड प्रेशर है, तो आपको बहुत सुकून मिलेगा। लेकिन आज मैं मेहंदी का ये कटिंग कर रही हूँ ताकि बारिश के मौसम में ये और खिल जाएंगे और बड़े हो जाएंगे और मैं इन पत्तों को अपने रेमेडी में यूज़ करूँगी, यहाँ तक कि कुछ भी ज़ाया नहीं करूँगी। देखें फिर इसका कलर, आपको अगर लाल नहीं पसंद आता तो आप इसमें कॉफ़ी डालें और इसमें थोड़ा कहवा चाय का गाढ़ा करके ओवरनाइट इसको छोड़ दें। सुबह एक अंडा बीट करके इस मेहंदी को पीस के इसमें मिला के बालों को रखें, फिर एक घंटा बाद आप वॉश कर लीजिए, नहा लीजिएगा, इतना प्यारा आपको रिज़ल्ट मिलेगा। प्यारी बहनों, बहुत खूबसूरत आपके बाल लगेंगे और बाल गिरने से भी रुकेंगे। और मुख्तलिफ हेयर ऑयल में ये इस्तेमाल होते हैं, ख़ास जो बनते हैं ना ऑयल, इस मेहंदी को यूज़ किया जाता है, मेहंदी के पत्तों को। ठीक है बहनों, अगर वीडियो समझ में आए, पसंद आए, तो ज़रूर हौसला बढ़ाइएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अल्लाह हाफिज़।